अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल ताहिरा कुकिंग एंड ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। सो गाइस, अभी ये सुबह का टाइम है और मैं जो है अपने हस्बैंड के लिए लंच बना रही हूँ। जैसे ये लंच जैसे है तो नाश्ता ही बोलेंगे, लेकिन ये मैं दोपहर के लिए बना रही हूँ, जैसे वो दोपहर को खाएँगे, पैक करके लेकर जाएंगे। सो ये गाइस आलू है, आलूओं को मैंने बारीक बारीक काट लिए, मैंने नहीं सॉरी मेरे हस्बैंड ने काटा है गाइस, कि वो काफ़ी मेरी हेल्प करवाते हैं सुबह के टाइम पे। ये आलू बारीक बारीक काट लिए, ऑयल कर आलू बारीक बारीक काट के फिर इनके अंदर हमने ऑयल मिक्स किया, ऑयल नहीं सॉरी गाइस नमक मिक्स किया। नमक मिक्स करने के बाद जो है फिर ऑयल गरम किया, ऑयल गरम करके फिर इसमें जो आलू जो है वो नमक मिक्स करने के बाद अपना पानी छोड़ते हैं। वो पानी जो मैंने फेंक दिया, वरना मैं आपको दिखाती, वो जो पानी यानी पानी छोड़ते हैं, वो फिर जो पानी है वो मैंने यानी फेंक के फिर आलू जो है वो गरम गरम ऑयल में डाल लिए। मेथी डाली, ये मेथी दाना देखें गाइस आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने मेथी दाना डाला और अभी अच्छे से गल गए, ये देखें नरम हो गए काफ़ी, ये देखें। और बाकी जो है ये टमाटर पकने के बाद नरम होंगे। ये कोई नई रेसिपी नहीं है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। अब ये हरी मिर्चें, टमाटर और हरा लहसुन है गाइस, वो मैं एक तरफ से डाल दूँगी आराम से। हमारी बराबर की जैसे हमारे मोहल्ले की जो दुकान है वहाँ पर जो है हमें खुश्क लहसुन कम और हरा लहसुन जो है वो ज़्यादा मिल रहा है, तो इसीलिए आजकल मैं सालन में और जैसे खानों में जो है हरा लहसुन इस्तेमाल कर रही हूँ। अब उसके बाद जो है गाइस मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी। और गाइस जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ के साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि मेरे आने वाला हर नया व्लॉग आप लोगों तक पहुंच जाएगा और मेरी हेल्प हो जाएगी और मेरी व्यूज़ बढ़ाने भी मेरी मदद करें गाइस। और मेरी कोशिश यही होती है कि हर रोज़ जो है मैं एक नई वीडियो और ये नया व्लॉग बनाऊं, लेकिन क्या है कि मेरा मोबाइल जो हस्बैंड के पास होता है, इसीलिए जो मैं नई वीडियो नहीं बना पाती ज़्यादा से जैसे ज़्यादातर जो वो खाने की वीडियोज़ ही होती हैं। और ये सुबह का टाइम है गाइस, सुबह के तकरीबन बज रहे होंगे 8, तो बच्चों को मैंने स्कूल भेजा दिया है और हम दोनों जैसे मैं और मेरे हस्बैंड जो मेरे हस्बैंड वो मेरी वीडियो बना रहे हैं और जो है मैं ये बना रही हूँ आलू की भुजी। सो गाइस अब जो है इसके बाद हम मैं आपको मिलूँगी जब ये मैं पैक वगैरह करूँगी, जैसे हम नाश्ता करेंगे और साथ के साथ इसको पैक भी करेंगे, तब मिलते हैं गाइस। सो गाइज ये अब मेरा ये सालन तैयार है और ये हल्के फुलके से मैंने जैसे पराठे बनाए, ज़्यादा ऑयली नहीं बनाती मैं, ये नाश्ते के लिए और ये रोटी जो है मेरे हस्बैंड के ले जाने के लिए और ये मेरे बच्चे टुकड़ा एक बचा के गए और चाय है गाइज और मैं इससे नाश्ता करती हूँ गाइज। सो गाइज अल्लाह ताला के लाख लाख शुक्राने जिसने हमारे दस्तरखान को हरा भरा रखा और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हम सब बहन भाइयों के दस्तरखान हमेशा इसी तरह हरे भरे रहें। सो गाइज़ अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखें।